बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराज जी, युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, हम श्री रंग महल के सन्मुख सात वनों की सुंदर शोभा को देख रहे हैं आज। इस शोभा में खुद को खड़ा करके, क्योंकि चश्मी का जो अपना मेन उद्देश्य है कि उन जगह हम खुद को खड़ा करके और उन स्थान पर हम अपने आप को महसूस करें, उन स्थान पर चितवन की गहराइयों में डूबे, उन शोभा को देखें, तो आज वो प्रयास करते हैं। कल हमने शोभा पूरी देखी, तो हम सबसे पहले ये जो मध्य रोस आ रही है अमृत वन के ठीक मध्य जो रोस आ रही है, उन रोस पर आप शिवराज जी श्यामा जी की मेहर से खुद को महसूस करते हैं और इन मध्य रोज से सब आगे बढ़ते हुए, तो उन रोज की विशालता को देखिए। एक एक स्टेप पे हम वो शोभा भी देखते हुए चलेंगे कि हम उस रोज की विशालता को देखें। हम इन मध्य रोज से आ रहे हैं, दो मंदिर की विशाल 200 हाथ यानी 200 कोस चौड़ी ये रोज, और रोज के दोनों, एक में नक्शा आ रहा है, रोज के दोनों ओर वृक्षों की सुंदर शोभा, वृक्षों के तने, उनकी मेहराबी द्वार, और नजर ऊपर करते हैं तो वृक्षों का एकल छत्री मंडल। और इन रोज से जब आगे जा रहे हैं तो इन रोज के साथ ही लगती हुई अपनी ये नहर की रोज से, ये मध्य रोज और नहर की रोजों का लेवल एक समान। अब इन रोज से होके अगर हम इन नहर की रोज पर आते हैं तो रोज की सुंदरता को देखिए, वहां पर सुंदर विध विध की बैठ के महसूस करें, और जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और पुल की सुंदर शोभा, और जहां नहरें कट रही हैं वहां चबच्ची की सुंदर शोभा। अभी जस्ट पहले जो अपना परिक्रमा शहर चल रहा था तो वहां पे मैंने महसूस किया कि गोल जाते हैं चारों कोनों में चबच्चे, उन चबच्चों की शोभा का वर्णन भी होना चाहिए। ये जो जब नहरें कट रही हैं तो वहां चबच्चे की शोभा, ठीक मध्य जल का विशाल बोल, जैसे ये अपनी एक मंदिर में नहर है तो एक मंदिर में लंबा चौड़ा ये जल का ताल, और ताल को घेर के आधे मंदिर की सुंदर रोस, क्योंकि नहर के दोनों ओर भी आधे आधे मंदिर की रोस आई है, तो यहाँ पर जब नहरें कटेंगी तो अपना एक मंदिर का लंबा चौड़ा तो विशाल जल राशि घेर कर सुंदर रोस से, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, किनार पर सुंदर कठेरा, तो ऐसे एक एक चबच्चे की अपने को शोभा मिलेगी। उन चबच्चों से उठते फवारे, कहीं पांच कहीं एक, और इस रोसों के ऊपर सुंदर बैठ के सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा। अब यहाँ से जैसे आगे बढ़ रहे हैं वृक्षों का एकल छत्री मंडल, और ये जो अपने नहरें आई हैं इनके ऊपर भी एक छत्री मंडल होता हुआ, इस तरह से शोभा देखते हुए धीरे धीरे एक एक स्टेप पे शोभा को निरखते हुए हम खुद को चांदनी चौक में देखें। तो जिस रोज से आ रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं ऊंचाई नीचाई भी साथ साथ क्लियर कर रही हूँ, तो जिस रोज से हम आ रहे हैं उसी रोज से सीधा चलते हुए, हमने कहीं चढ़ना उतरना नहीं है, हम चांदनी चौक में पहुंच गए। चांदनी चौक की विशाल शोभा, तीन दिशा में दो मंदिर की विशाल रोस, रोस के आगे नहरें लगती हुई, ये चबच्चों की सुंदर शोभा, और ये वृक्षों की दो भौम तीसरी चांदनी, तो भौम दर भौम। हम जैसे कई बार अपने के बंगलों देखते हैं या अपने घर देखते हैं तो दो छज्जे उनके होते हैं, जैसे दो मंजिला है, तो वो शोभा को यहाँ महसूस करें कि दो छज्जे दो बालकनी, उसको यहाँ की भाषा में मतलब समझाने के हिसाब से कह रही हूँ, बाकी छज्जे बोलना ठीक रहेगा, फूलों के दो छज्जे भौम दर भौम, और उनके ऊपर सुंदर फूलों की ही कटेरे चांदनी चौक में अपने को नजर आते हुए, और 166 मंदिर का लंबा चांदनी चौक, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा सम चौरस, वाणी में चपई आती है चारों हाथों खुली चांदनी। इसकी विशालता को हम युगलदास महाराज जी की एक लीला से समझ सकते हैं कि जब तीजी भौम की पड़साल से प्रातःकाल आप शिवराज श्यामा जी उन मेहराब में खड़े होते हैं तो पशु पक्षियों के जुत उमड़ते हैं इन चांदनी चौक की ओर, तो उनमें वो एक
हाथी का वर्णन करते हैं कि एक हाथी का झुंड आया, जैसे वो सफेद रंग का है, उस एक झुंड में करोड़ करोड़ हाथी, दूसरा झुंड आया लाल रंग का, तीसरा आया पीला, ऐसे बेशुमार रंग के हाथी के झुंड आए। फिर थोड़े छोटे कई हाथी ऐसे हैं जैसे आज ही पैदा हुए हैं, कई जो 3-4 दिन के हैं, ऐसे बेशुमार जुथ के जुथ हाथी आ रहे हैं और एक एक जुथ में हजारों लाखों हाथी हैं। और ये तो एक हाथी का वर्णन हुआ, ऐसे ही घोड़ों के जुथ, जिराफ के जुथ, चीतों के जुथ, शेरों के जुथ, ये तो कुछ एक पशुओं की अपन ने बात की, ऐसे पक्षी भी हैं, बेशुमार पशु हैं। तो सब आके अपनी मर्यादा में खड़े होते हैं चांदनी चौक में और पिया को सिजदा बजाते हैं। तो वो विशालता सोचिए कि वहां पर अरबों खरबों पशु पक्षी आके अपनी अपनी अच्छी स्पेस लेके खड़े होते होंगे, तो चांदनी चौक की हम उस विशालता को दिल में लेवे जितना धनी देवे, एकदम से ज्यादा विशालता नहीं आती, लेकिन हाँ उस विशालता को लेने की कोशिश करें। तो चांदनी चौक की रेती का तेज, अब चांदनी चौक से हम चलते हैं इन अमृतवन के बगीचे में, क्योंकि अब अपने को मिलान भी देखना है। तो यहां से देखो इस रोंस पर आ गए, चांदनी चौक और ये रोंस बिल्कुल समान लेवल की। इस रोंस पर आए, दोनों तरफ वृक्षों की सुंदर शोभा, एक एक वृक्ष का तना नूरमयी जवेरों से झिलमिलाता हुआ, कोई हीरे के माफक, कोई माणिक के, कोई पुखराज के, उनकी सुंदर मेहराबे और छत। तो हम यहाँ खड़े हैं, नजर ऊपर करेंगे तो एक भोंप ऊंचाई पर अपने ऊपर वृक्षों का सुंदर छत्री मंडल है। इन शोभा को देखते हुए अब जब वृक्षों का छत्री मंडल है, तो इन स्थान पर हमारी बैठकी महसूस करें या राजी श्यामा जी और हम सखियां यहाँ पर लीला कर रहे हैं, तो इन रोंसों में पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां कैसे कतारबद्ध खड़े होकर इन लीला को देखते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये रोंस रोंस ये जो नहर की रोंस है, नहर की रोंस ये दो मंदिर की रोंस एक कल मिलान करती हुई, तो जब मिलान है तो सीधा ही हम इस एक मंदिर के विशाल पुल पे आ जाएंगे। पुल की सुंदरता को देखें, यहाँ नासूत में हम पुल देखते हैं तो कितने सुंदर, तो उन पुल की शोभा को देखिए कि हम पुल पे चल रहे हैं, अपने कदमों तले कैसे फूल बिछते जा रहे होंगे, कितनी कोमल धरती हो रही होगी और जल तरफ सुंदर कठेरे और विशाल जलराशि के दर्शन। अब हम आ गए इस तरफ की रोंस पर, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर हम इस रेती में आए, अर्थात इस रेती से ये अपना चांदनी चौक नहर की रोंस से कमर भर ऊंची हुई। अब हम इन रेती में हैं, इसको इस नक्शे से देखते हैं, हम इन रेती में हैं, चांदनी चौक की रेती का वर्णन हुआ, हीरा मानिक मोती की तरह, तो यहाँ भी अति सुंदर रेती, एक एक रेती के कण से उठती बेशुमार ज्योति, उसके आगे करोड़ों सूर्य भी फेल हो जाए लेकिन उस ज्योति में भी अति नरमाई है, सुगंधी है, शीतलता है। रेती का एक एक कण जब सखियों के आपके नूरी अंगों को स्पर्श करेगा, तो मानो एक एक कण कभी अंगूठे का नगीना बनके तो कभी माथे की बिंदिया बनके चमक उठेगा। इन वृक्षों की मेहराबों के तले, जैसे अभी हमने परिक्रमा शहर में भी देखा कि यहाँ पे वृक्षों की सुंदर, जैसे ये वृक्ष है, ये वृक्ष इधर मेहराब बना रहा है, इस वृक्ष ने इधर मेहराब बनाई, दोनों एक रूप हो गए, ऐसी चारों तरफ दोनों तरफ से मेहराब बनाएंगे और इस तरह से ये देखिए, तो ऐसे संपूर्ण चौक के ऊपर ऐसे अपनी मेहराबे बढ़ती जाएंगी और एकल छत हो जाएगी। तो चार वृक्षों के मध्य एक सुंदर चौक बनता हुआ, दो मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों कोनों पे आप सुंदर विशाल वो तने थंब रूप में महसूस करें, चारों दिशाओं में फूलों की पत्तियों की अति नगों से जड़ी वो मेहराबे, और इन एक एक चौक में दो मंदिर की विशालता को हम लेवे। एक मंदिर में हम कहते हैं राज श्यामा जी और सब सिखियां एक साथ आते हुए, हमने तख्तरवा देखा 96 हाथ का लंबा चौड़ा, हम उसमें राज श्यामा जी के साथ एक संग बैठते हैं, तो ये तो दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। तो इस चौक में स्थान स्थान पर सुंदर बैठ के
उस वक्त बैठकों के तले कैसे फूल बिछते होंगे, आप एक एक कदम आगे रखते होंगे तो कैसे धरती आपका अभिनंदन करती होगी। और ठीक मध्य एक मंदिर की लंबी चौड़ी दिहोरी का वर्णन आया, एक सुंदर बुजुर्ग बैठे कि राजी श्यामा जी आए हैं तो इन दिहोरी में उनको बड़े प्यार से बिठाना, और कैसे सामने पशु पक्षी आकर कई तरह की लीलाएं कर रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ हम जो पढ़ रहे हैं उसका मेन वही है कि हमने ये चर्चनी सीखी, अब इसमें हम चल कर देखिए कि हम यहाँ पर हैं तो पशु पक्षी हमारे साथ कैसे कर्तव्य कर रहे हैं, हमें कैसे रिझा रहे हैं, वो पक्षियों की चहचहाट, पशुओं की कैसे पिया पिया तुई तुई की गुंजार, इन सुंदर शोभा को देखते हुए ऊपर हमने देखा एकल छत, मतलब हमको तले की भूमिका में नहरें नजर आ रही हैं, चह बच्चे फूल नजर आ रहे हैं, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां नजर आ रही हैं और बगीचे में उतरती सीढ़ियां नजर आ रही हैं, आमने सामने दोरी बंद सीढ़ी, जैसे मान लीजिए यहाँ सीढ़ी है, सीढ़ी के बाद पुल हो गया, ठीक आगे आएंगे तो ठीक सामने ये सीढ़ी, उसी के ठीक सामने अपने को पूरी दोरी बंद सीढ़ी मिलेगी। अब मान लीजिए यहाँ से सीढ़ी है, रोंस पर चढ़े, फिर जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ी, इधर से भी जल चबूतरे पर, तो साम सामी ये सीढ़ियां बिल्कुल दोरी बंद, और हीरे की तरह, कोई जवेरों की तरह, कोई स्वर्ण की माफिक तो कोई फूलों की सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी की अति सुंदर शोभा, और इनके ऊपर एकल चंद्रमा आ गया। पूरी एक छत हो गई आपके एक हाथ ऊपर, एक मंदिर ऊपर। अब अपने को बढ़ना है, इन शोभा को हमने देखा सभी वनों में इस तरह से एक एक रंग भरे कि एक एक चौक में कितनी सुंदर शोभा होगी। वाणी में भी जब सात वन का प्रकरण आता है तो उसमें भी ये वर्णन आता है कि मैं एक चौक से दूसरे चौक में गई, यानी वृक्षों की एक चौक से जब मैं दूसरे चौक में गई तो पहले से बढ़ती शोभा की ये तो और भी सुंदर है, अगले चौक में गई ये चौक तो और भी सुंदर है, तो बढ़ती शोभा एकल चंद्रमा हो गया। और अपने को अब देखना है मिलान की शोभा, तो अब हम यहीं से कल जिस तरह से मिलान देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूँ चल के। अब हम यहीं से इन वृक्ष से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर, इन वृक्ष से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन वृक्षों की पहली छत पे आ जाते हैं। जैसे तने और तना, 75 हाथ का तना उठा, 25 में मेहराब, एकल छत हो गई। अब इस छत के ऊपर हम आ जाते हैं, इन वृक्षों से सीढ़ियां लेके हम छत पे आ जाते हैं और इन वृक्षों की कोमल चांदनी से आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम चाहें हमारी चाहना के अनुसार है, या तो हम इसी तरह से वृक्ष मेहराबे लेवे चौक लेवे, या हम यहाँ पर छोटे छोटे महल मंदिर लेवे पशु पक्षियों के रहने के स्थान लेवे, और बीच बीच में सुंदर रोसे, उन रोसों से हम आगे की तरफ जा रहे हैं रंग महल के अपने चबूतरे की तरफ। सुंदर सा जी, बहुत ध्यान से अपन इस जगह फील करेंगे तो बहुत आसानी से शोभा समझ में आ जाएगी। तो हम इस पहली चांदनी से आगे जा रहे, तो जैसे ही हमने इस बगीचे को पार किया जांबों को, तो यहाँ पर जो रोज के ऊपर वृक्ष की हार है वहां पर भी ऊपर भी अपने को वृक्ष की सुंदर शोभा मिलेगी। अब इस वृक्ष से अपने को पता चल जाएगा कि रोज की जो दूसरी वृक्ष की हार है हम उसके ऊपर है, क्योंकि हम वो देखना चाहते हैं तो चांदनी भी अपनी पारदर्शी हो जाएगी। अब यहाँ से अपने को, क्योंकि अपनी 22 सीढ़ियां बननी है, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, 22 सीढ़ियां बननी है अपनी, तो यहाँ से हम 22 सीढ़ियां कम कर ले, 178 हाथ चलेंगे तो अपने को सामने यहाँ पर 22 सीढ़ियां मिल जाएंगी। हम यहाँ से आ रहे हैं वनों की चांदनी से, यहाँ तक के वृक्ष 100 हाथ की ऊंचाई पे हैं, और ये जो चबूतरे के साथ लगता वृक्ष की हार है ये 122 हाथ की ऊंचाई पे है, तो हम यहाँ से आ रहे हैं तो एक लेवल पे आ रहे हैं यहाँ तक आए। इसके बाद हम 178 यानी 200 में से 22 माइनस कर ले, उतना हम, या अपने को गिनना नहीं है, अपन सीधा चलते जाए, अपने को सामने 22 सीढ़ियां मिली। हम सीधा चलते जा रहे हैं रंग महल की तरफ, रंग महल के पास पहुंचते ही अपने को 22 सीढ़ियां मिलेंगी। उन 22 सीढ़ियों से चढ़ोगे तो आप इस नूरी छत पर आ गए, जित छत ने इस रंग महल के जो अपने ये जो झरोखे आए हैं झरोखों के साथ एक सूत्र में मिलान किया। तो
इस तरह से हम वनों की पहली चांदनी से सीधा चलते जाएं, रंग महल के पास पहुंच के अपने को 22 सीढ़ियां मिलेंगी। 22 सीढ़ियां पार करते ही एक मंदिर हम चलेंगे तो हम बिल्कुल इन मंदिरों की दीवार तक आ जाएंगे। यहाँ अपने को झरोखा मिलेगा, उन झरोखे में अपने को दरवाजा मिलेगा, उन दरवाजे से 22 सीढ़ियां उतर कर हम मंदिर में आ गए। कल या परसों अपनी चपाई पड़ी थी कि 22 सीढ़ियां चढ़कर गए और वहां से कूद के, झरोखों से कूद के मैं अर्श में पहुंची। तो उसका भाव यही था कि हम 22 सीढ़ियों से चढ़कर और हमने ये 100 हाथ पार किए, हम पहुंच गए इन झरोखे पर। झरोखे के भीतर अपने को द्वार मिलेगा, उन द्वार से आगे गए तो अपने को 22 सीढ़ियां, 22 सीढ़ियां उतरे, पुनः एक द्वार मिला, उन द्वार को पार करते ही हम इस मंदिर में। तो ये तो हुआ झरोखों में जाने का मिलान। अब हम आ जाए इन्हीं वृक्षों की चांदनी से दूसरी ओर। अब अपने को सीधा दौड़ते चले जाना है, हम रंग महल के दूसरी भूमि के छज्जे पे आ जाए, सीधा दौड़ते जाना है, रंग महल की दूसरी भूमि के छज्जे में आ जाएंगे। अब मंदिरों में जाना है तो एक सीढ़ी चढ़कर मंदिर में चले जाए। तो इस तरह से ये शोभा मैं आपको दूसरे नक्शे से भी बताती हूँ। और हाँ सुंदर साहब जी, अगर हम इस रोंस पर चल रहे हैं, धाम रोंस पे चल रहे हैं, तो अपने 22 हाथ ऊपर छतरी मंडल है, तो अपने को रंग महल की तरफ क्या नजर आएगा? अपने को एक बड़ी मेहराब के अंदर जो तीन तीन के अंदर जो तीन तीन नजर आती है, छह जाली द्वार, दो दरवाजे और जरोखी की जगह दीवार का पहली भूमिका में 22 हाथ ऊंचा जहां छतरी मंडल आएगा। तो उस छतरी मंडल से हम रंग महल की तरफ नजर करते हैं तो अपने को सिर्फ छह जाली द्वार, दो दरवाजे और ठीक मध्य अक्ष नजर आएगा। और यहाँ पर नजर करते हैं इस किनार पर, तो ये वृक्ष बिल्कुल चबूतरे के साथ उठे हुए ऊपर 22 हाथ की मेहराब बनाते हुए, तो इस किनार पर अपने को वृक्षों की 22 हाथ की सुंदर मेहराबें नजर आएंगी। ये शोभा मैं आपको दूसरे नक्शे से भी दिखाती हूँ। मीनू जी एक बार रिवीजन कराना, मैं नक्शा निकाल लूँ, निकालना भूल गई। हाँ जी सुंदर साहब जी, अभी हमने देखा कि हमने वनों से अपना रंग महल कैसे चलना है। तो पहली भूमि में हम नीचे हैं, चांदनी चौक के साथ ही समझ लो वन में खड़े हैं। तो वहां से कोई भी वृक्ष से हम तनों की सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। ये देखो, हाँ ये नक्शा निकल आया। दूसरे वृक्ष से हम ऊपर चले, सीढ़ियों के अंदर तने में सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियों से ऊपर आ गए हम। ऊपर आए तो अब हमने चलना है रंग महल में। तो हमें अभी गिनती नहीं देखनी, सीधा चलते चले जाना है। फिर हमें मुझे 22 सीढ़ियां दिखाई देंगी, तो 22 सीढ़ियां सब भागते दौड़ते इन सीढ़ियों पे चलेंगे। उसके बाद मुझे फिर से एक मंदिर की एक पूरी छत मिलान करती हुई झरोखों के साथ वो मिलेगी, फिर झरोखों की सूत की दीवार के साथ। फिर हम सब मिलकर फिर दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं झरोखे के बिल्कुल समीप, और अपना यहाँ पे हमें मेहराब बनी हुई है झरोखों की, यही बिल्कुल सूत की दीवार से हम चाहे उलंके कह लो, इस झरोखे की मेहराब में हम चले जाएंगे। और यहीं से 22 सीढ़ियां उछलते कूदते नीचे उतर के अपने मंदिर में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साहब जी, देखिए बिल्कुल शोभा इस नक्शे से क्लियर होती हुई। जैसे ये देखिए, ये पहली हर वृक्ष पिठोर से लगते हुए 122 हाथ की ऊंचाई पर, ये 100 हाथ की ऊंचाई पे हैं, बाकी जो सारे वृक्ष आए हैं। तो यहाँ से हम भौम वर्ग की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए, ये वृक्षों का एकल छतरी मंडल। अब यहाँ से दौड़ते हुए रंग महल की तरफ चले, अपने को 22 सीढ़ियां मिल जाएंगी। सीढ़ियां चढ़कर हम इन चांदनी पर, बिल्कुल ये देखिए रंग महल के साथ मिलान की हुई, और ये बीच बीच में झरोखे, और किसी भी झरोखे के अपने को यहाँ दरवाजा मिलेगा, उससे हम मंदिर में आ सकते हैं। अब इस जगह हम जब रमन करते हैं, ये अपनी धाम रोस, ये जो सफेद रंग में दिखा रखी है धाम रोस, ये अपना चबूतरा हो गया नीले रंग का, ये धाम रोस। अब यहाँ जब रमन कर रहे हैं तो अपने 22 हाथ ऊपर वृक्षों का छतरी मंडल, और रंग महल की तरफ देखते हैं तो अपने को 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे और झरोखे के ठीक नीचे अपने को मेहराब नजर आती है।
तो ये मिलान तो हुआ झरोखों के साथ। अब पुणे यहां से भूमबल की सीढ़ियां चढ़ के आ जाओ, तो इस चांदनी से दौड़ते हुए रंगमहल के छज्जे पे जा सकते हो, इन चांदनी से दौड़ते हुए रंगमहल के छज्जे पर, और वहां से एक सीढ़ी चढ़कर हम रंगमहल के मंदिर। और एक सुंदर शोभा, हम ये शोभा भी देखिए, ये मिलान हो, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं सुंदर साजी, मिलान का कोई भी क्वेश्चन होगा लेंगे, पर थोड़ी सी शोभा एक वर्णन साथ के साथ कर लेंगे कि जैसे हम अब हम रंगमहल के मंदिरों में खुद को देखें, पहली भूम के मंदिरों में है, मंदिरों की बाहरी दीवार देखते हैं, तो सुंदर साजी ठीक मध्य अपने को क्या नजर आता है, ठीक मध्य अक्ष में अपने को क्या नजर आता है। हम बाहरी हर मंदिरों में हैं, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में पुणे, तीन तीन, ठीक मध्य मेहराब में अपने को क्या नजर आता है। सिर्फ एक एक शब्द के क्वेश्चन होंगे सुंदर सा जी। हाँ जी ज्योति, प्रणाम दीदी, झरोखा दिखाई दे रही नहीं, मध्य मेहराब में अभी क्या नजर आ रहा है, मंदिर के अंदर से क्या नजर आ रहा है से अभी। देखना तो मध्य में हेलो दीदी, हाँ आवाज जी, जा। हाँ जी, हाँ तो जी, क्या आ रही दीदी, आ रही आ रही है। हाँ हाँ दीदी फिर से थोड़ा बोल दीजिए ना, समझ नहीं, क्वेश्चन बोल दीजिए। ज्योति, आवाज हम साफ बाहर, नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं है, दूसरे को लेते हैं ना। हाँ दीदी, हाँ हाँ नीलम जी आप आ जाओ, हम मंदिरों के अंदर खड़े हैं, बाहरी हर मंदिर पूरब दिशा की, अपने को चलना है प्रणाम। जमुना जी की तरफ, तो बाहरी हर मंदिरों के ठीक मध्य जो मेहराब है उसमें क्या शोभा नजर आ रही। उसमें एक दरवाजा दिखाई देगा, जिसमें दरवाजा खोलने पे हमको 22 सीढ़ियां दिखाई देंगी, 22 सीढ़ियां चढ़ के एक दरवाजा फिर दिखाई झरोखा हाँ जी, हाँ जी, जैसा कि अभी जो बताया पांच हाथ दीदी का ने। झरोखा है, हाँ वहां से निकल करके हम पहली उसमें चले जाएंगे छत्री मंडल पे। हाँ जी, सुंदर सा जी, जैसे अभी दीदी ने बताया अपने को, नीलम दीदी ने, कि अपने को ठीक मध्य मेहराब में एक दरवाजा मिलेगा, लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ 5 हाथ का, लेकिन अपने को एक विशाल दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे के अंदर गए अपने को सुंदर गोल सीढ़ियां, सीढ़ियां पार की पुनः दरवाजा, दरवाजे से निकलते ही आप आपको इस झरोखे में, ये झरोखे का निशान इसमें पा सकते हो, फिर झरोखे समेत हमने 100 हाथ चलना है आगे, अपने को सीढ़ियां मिल रही है, इन सीढ़ियों से उतर के जमुना जी की तरफ दौड़ लगाइए, सीधा जाके जमुना जी में हम कूदी मार सकते हैं, तो ये शोभा तो ही पहली भूम से कैसे निकलना है। अब हम सुंदर सा जी मानिए कि हम हैं रंग महल के दूसरी भूम के उन बारीहाल मंदिरों में, और अपने को किस तरह से वनों की छतरी मंडल में आना है, हम रंग महल के बाहरी हाल मंदिरों में, पूर्व दिशा की बात हो रही है, उन मंदिरों में है अमृत वन के हिस्से के लिए दाएं बाएं, चांदनी चौक वाले हिस्से के एक्चुअली लिए दाएं बाएं पहले हिस्से, तो हाँ वहां से अपने को जी, कैसे आना है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, जैसे जैसे अभी नीचे के मंदिरों में बताया है हमें एक दरवाजा मिलेगा, ठीक उसी तरह ऊपर भी पहली जो दूसरी भूमि है उसमें भी हमें बीच के मेहराब में एक दरवाजा मिलेगा, जिसके अंदर हम जाएंगे तो सीढ़ियां मिलेंगी, तीन सीढ़ियां हमें जिसमें चढ़। दीदी दीदी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, हाँ दूसरी जी, भूमि के मंदिरों से अपने को अब वृक्षों की चांदनी पर आना है, झरोखे का मिलान तो हो गया अपना, हाँ अब जी, अपने जो दूसरी भूमि ने छज्जे से मिलान किया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप। अच्छा, हाँ उस पर आना, ठीक। हाँ तो वो तो फिर मंदिरों से एक पंक्ति हम नीचे उतरेंगे हाँ और छज्जे हाँ पे आ जाएंगे, और छज्जे से सीधा दौड़ते हुए हम चांदनी सीधा, पर आ ये जाएंगे, देखो सीधा और उस मिलान चांदनी किया हुआ है, से सीधा, दौड़ते हुए चले जा रहे। हाँ जी सीधा आ जाएंगे। हाँ जैसे जी, तो आपने मध्य की दीवार में पूछा क्या आ रहे हैं वहां पे। हाँ तभी मैंने कहा कि अनुभव हो गई थी। हाँ जी, है ना सुंदर सा जी, ये अपना हुआ मिलान। अब हम इस जगह खुद को देखते हैं, ये शोभा बहुत प्यारी है, जो हरदास मां जी, जुगल दास मां जी सभी वर्णन कर रहे हैं कि अपने ये देखिए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट, केल और बट अपना 5 भूम छठी चांदनी का दिखाई दे रहा है, केल वन 2 भूम का ही है लेकिन उसमें बड़ो वन के वृक्ष आ गए, इधर कुछ नहीं कुछ 2 भूम का है लेकिन उसमें बड़ो वन के वृक्ष आ गए बट रूप में, तो इन दोनों की तो 5 भूम छठी चांदनी हो गई, तो ये जो बीच में
अपना लिमोई, अनार, अमृत, जामु, नारंगी, ये पांच वृक्ष, 500 मंदिर की चौड़ी यानी 2500 मंदिर की तो लंबी, और लगभग 2000 मंदिर की चौड़ी ये चांदनी। इस चांदनी पर खुद को महसूस करें, कैसे फूलों की एकल चांदनी, जैसे गिलम बिछियों फूलों की दो हों तीसरी चांदनी। इस चांदनी पर सुंदर मंडप चढ़े, सुंदर शोभा, सुंदर बैठ के, इन बैठकों में आप बैठिए और नजारे धाम के देखिए। ठीक सामने अपने को रंग महल नजर आता हो, भूम दर भूम अपने को प्रथम भूमिका से चांदनी तक शोभा, 10 मंदिर के वो दरवाजे की हांस की शोभा, हीरा की मेहराब तले से लेके ऊपर तक, दो दो रंगों की मेहराब, गुर्जों की शोभा, चांदनी चौक की हद में अपने को 6 गुर्ज नजर आते हुए, और 6 ही गुम्मट नजर आते हुए, कंगूरे नजर आते हुए, कांगरिया नजर आती हुई, और अपने को भूम दर भूम सुंदर झरोखे, एक एक झरोखे की सुंदर शोभा, नगीने से जड़े झरोखे। तो ये तो रंग मेल की शोभा, जितना जितना हम देखेंगे शोभा बढ़ती। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो दो भूम तीसरी चांदनी, केल की तरफ नजर करते हैं तो ये 3 भूम ऊंची और मेहराबे, बड़वन के वृक्ष सवा सौ मंदिर के अंतर पर आए हैं, तो यहाँ बड़ी बड़ी मेहराबे और उनमें बड़े बड़े हिंडोले, कोई सेजिया हिंडोला, कोई सिंहासन, कोई खड़े होकर, कोई बैठ के, उन हिंडोलों में पियासम झूलना, वो सुगंधि का समा। ऐसे ही ये जो बट बड़ रूप में आए हैं वृक्ष, बटवन में जो बड़ोवन के वृक्ष बट रूप में आए हैं, इनकी भी 3 भूमि अपने को और नजर आती है। अब हम हालांकि हमने ये शोभा नहीं की, पर यहाँ देख लेते हैं कि हम जमुना जी की तरफ नजर करते हैं तो हमारे ये जो 7 वन आए हैं ये पहले पुखराजी रोंस से मिलान करते हैं। पुखराजी रोंस से मिलान करके पाल पर बड़ो वन के वृक्ष, जो केल के सामने केल रूप में, लिबुई के सामने लिबुई रूप में आए, अनार के सामने अनार, तो जिस भी घाट के सामने आए उसी रूप में, अब ये वृक्षों की डालियां इन बड़ो वन के वृक्षों से मिलान कर लेती हैं, फिर ये आगे बढ़ के जल चबूतरे तक छाया करती है। तो जब हम जमुना जी की तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 भूम ऊंची वृक्षों की सुंदर शोभा, तो एक मंडप तना हुआ, तीनों तरफ एक सुंदर वृक्षों की दीवार बनती हुई, और उसके अंदर सुंदर बैठ के उसमें आप बैठे हो, और सामने निज घर के सोने नजारे, ये दोनों कोनों से उछलते फवारे, सुंदर शीतलता का समा, अति सुंदर ये शोभा, हमारी 7 वन की शोभा सुंदर साजी कंप्लीट होती है। कोई भी क्वेश्चन हो? मैंने कोशिश करी कि आज चल के दिखाऊं शोभा में, हम रमन कैसे करें उस शोभा में, है ना। और एक बार चैबच्ची की शोभा मैं वापिस से बता देती हूँ जो नए सुंदर साथ है, कि जहां आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं वहां पर एक ताल की शोभा हो जाती है, एक मंदिर का लंबा चौड़ा ये जल और घेर कर रौस, जल तरफ उतरती सीढ़ियां और कठेरी की शोभा, और एक एक यहाँ से एक एक चबच्चे से उठते 5 5 बड़े फवारे। हाँ जी, जैमिनी जी पूछ लो। प्रणाम जी। जी, वो मंदिर, वो वृक्षों है ना, वृक्षों नहीं, अंदर से ऐसे सीढ़ियां चढ़ती है ऊपर जाने के लिए, हाँ जी, ये 500 मंदिर चौड़ा ये वृक्षों है ना, जो 500 मंदिर, ये आपने नहीं बोला केल लिम्बोई अनार, वो 500 500 मंदिर का जो हाँ, ये वृक्षों है पांच ना, सौ मंदिर के, बगीचा। हाँ ये बगीचा, 500 मंदिर के चौड़े हैं ना हाँ बगीचे। हाँ 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 बगीचे, इसमें वो वृक्षों में से ऊपर चले जाते हैं ऐसे हाँ जी, ये सीढ़िया। वृक्ष का जो तना है, एक बार मैं दिखा रही हूँ, ये जो वृक्ष के हाँ तने आते हैं ये लगभग हाँ एक, ये जो वृक्ष के तने हैं लगभग एक मंदिर का विस्तार है इनका। इसमें अपने को चारों दिशाओं में सीढ़ियां मिल जाएंगी, इसका वर्णन चांदनी चौक के जो दो वृक्ष आए हैं उसमें वर्णन आ गया है कि हाँ चारों दिशाओं में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी, उन सीढ़ियों से चढ़कर वृक्षों की पहली चर्च चांदनी ऊपर पर आई। चांदनी पर चले जाएंगे बराबर। और ये रॉस, और ये बाजू में वो क्या है, वो ये नहर, नहर, हाँ वो दोनों पर लेवल एक सरखा ही रहेगा ना। ये देखो हर बगीचे के चारों दिशाओं में, अभी अपने परिक्रमा शोभा में भी यही शोभा देखी थी कि जंजीर की तरह, ये देखो चारों दिशाओं में नहरें, आपको हर बगीचे में ऐसे ही शोभा मिलेगी, नहरें बड़ी छोटी हो सकती हैं, हर दिशा में ये देखो नहर,
नहर के मध्य पुल होंगे ही होंगे, एक तो होगा ही होगा, बाकी ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये चारों कोनों में चह बच्ची, जैसे एक बच्चे जंजीर की तरह ये चैन बंधी हुई चारों तरफ। बराबर। और जब यहाँ कमर भर ऊंची रोज पे है तो यहाँ पे बगीचे में सीढ़ियां उतनी ही उतनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये हैं, डॉली दीदी बोलो आप। प्रणाम जी, ये जो प्रणाम। नहरें हैं ये कमर पर गहरी हैं? अच्छा, नहीं, भूम भर गहरी दीदी, जब जमीन पे आती है ना तब भूम भूम भर गहरी होती है, भर गहरी, ठीक लेकिन है अगर अगर चांदनी पे वर्णन होता है ना, चांदनी पर या फूलबाग में, समझी, क्योंकि फूलबाग भी चांदनी पर है, तो वहां कमर भर गहरी। ठीक है ठीक है, वही मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि ये क्योंकि रोज पे आके फिर ये तीन सीढ़ी ऊपर चढ़ के जब रोज पे अब आते क्या हैं होता है कि फिर। यहाँ पे ना, यहाँ पे आके जो मतलब वर्णन करने वाले, क्योंकि एक जगह वर्णन दे दिया तो बार बार वर्णन नहीं होता, ये हाँ जी अपने हाँ जी पास एक मंदिर की विशाल नहर है, एक मंदिर की ओके विशालता को महसूस करे, तो जी यहाँ पर अपने को कुछ हद तक जल चबूतरे भी मिलेंगे, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी मिलेंगी और कठेरे, और इन रोसों पर अपने को सुंदर बैठ के मिले। बैठ के ठीक है, हो गया। हाँ जी बबूरे। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम जी। ये जो आपने बताए थे ना, इसके साथ रॉस के साथ लगते हुए दो वृक्षों की हारी जो आती, दो मंदिर की, तो एक तो आपने बताया 178 और दूसरा कितना बताया वो मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा। हाँ, वो 178, ये देखो यहाँ से देखते हैं हम, ये अपने वैशाली की बना हुआ नक्शा ही देखिए इससे, क्योंकि एक बार शोभा समझ में आ गई है, अब इससे देखते हैं। ये देखिए अपना, ये एक भूम ऊंचा चबूतरा, एक भूम ऊंचा चबूतरा अपना रंग महल का, ये वृक्ष देखो, ये वृक्ष तो अपने सोहाग की ऊंचाई पर ही आ रही है, ये सोहाग की ऊंचाई पे छत आ रही है, लेकिन ये जो बिल्कुल चबूतरे के साथ लगता हुआ वृक्ष है, ये वृक्ष अपना चला गया 122 हाथ, 100 हाथ तक तो तना और 22 हाथ में मेहराब है। अब इसने 22 हाथ ऊंचाई पे जाके ये देखो जरोखे से मिलान कर लिया। अब जब हम यहाँ जरोखे से निकलकर एक मंदिर चलकर 22 सीढ़ियां उतरते हैं, तो ये अपने पास जगह है दो मंदिर की, 200 हाथ की, 22 सीढ़ियों ने 22 हाथ की जगह ले ली, 178 हाथ हम चलते हैं तो हम इन दूसरे वृक्षों में आ जाते हैं। तो 178 हाथ का बयान आता है वो ये है, यहाँ से 178 हाथ चलते हैं, तो इसको मतलब मोटे रूप से ये कह सकते हैं 200 में से 22 कम कर बस। 200 मंदिर की दूरी है तो फिर उसमें से 22 सीढ़ियां चलेगी, हाँ 178 का वो हाँ वाला। लेकिन अगर अपन शोभा के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो चांदनी से सीधा रंग महल की तरफ दौड़ते जाओ ना, अपने को सीधा 22 सीढ़ियां मिलेंगी, 22 सीढ़ियां चढ़ते ही आप झरोखे में। अच्छा, एक चलिए सुंदर शोभा, सुंदर सा जी, एक शोभा सुंदर सी और बताती हूँ। ये दीदी जब बब्बू हम से एक इस बार रोज, बुलवा लो, ये बहुत बारी कंफ्यूज होती है बब्बू, तुम बोलो ये वाली खुद शोभा बोलो, पहला पेड़ दूसरा पेड़। हाँ बाबू जी, बब्बू ये बब्बू खोलो एक मिनट, क्योंकि बहुत बारी पूछती है मेरे से ये वाली बात। बब्बू ये प्रणाम बात जी, बोलो, आप खुद बोलो कि मैं इस पेड़ पे नीचे खड़ी हूं तो इतना चलूंगी, ये खुद बोलोगे तो आपको आ जाएगा। मतलब जो ये 200 मंदिर की दूरी पर जो दो पूरा वृक्षों की बोलो, हारियां पेड़ हैं, पहला पेड़ कितना ऊंचा गया, दूसरा कितना है, बोलो। बस इतना ध्यान हो, पहला पेड़ कितना ऊंचा गया है, दूसरा कितना ऊंचा गया, बाकी तो चांदनी से दौड़ते चले जाओ। पहला फिर दोस्त कितना गया होगा जो ये अपना दीवार के बाईस साथ पे ठोर पे लगता हुआ जो वृक्ष है, ये तो 200 आती गया ना। नहीं नहीं दीदी, 200 हाथ नहीं, मैं एक बार वही शोभा यहाँ कैमरा बताने ऑन लगी करो। थी कि वो शोभा यहाँ पे छूट गई थी मेरी, जो मैं बताने लगी थी वर्णन से, ये देखो ये वृक्ष 100 हाथ तक बिल्कुल चबूतरे के गया पिठोर में उठा, बिल्कुल 100 हाथ ही अपना धाम चबूतरे की ऊंचाई है, बिल्कुल इस ऊंचाई तक वृक्ष उठ गया। इस ऊंचाई के दीवार। बाद, उठने के बाद, यहाँ पर ये वृक्ष ने डालियां बढ़ाई, इस तरह से 22 हाथ ऊंचाई लेके डालियां बढ़ाई ऐसे। अब इस डालियों ने एक रूप लेके पीछे जाके यूं मिलान किया, तो जब हम यहाँ धाम रोस पे खड़े हैं, 22 हाथ ऊपर तो अपना फूलों का छत्री मंडल है, लेकिन वनों की तरफ देखते हैं तो इस जगह तो कठेड़ा चबूतरे के आगे, और ये 22 हाथ की अपने को मेहराबे नजर आती हूँ, फूलों की अति सुंदर मेहराबे अपने को यूं नजर आएंगी 22 22 हाथ। जरोखे से मिलान करती नहीं, जरोखा तो पीछे रह है गया, मैं तो ऐसे चबूतरे की किनार पे कह रही हूँ, दूसरे के किनारे, ठीक है चबूतरे दीदी। की किनार पे।
अपनी छत 22 हाथ ऊंचाई पे है ना मीनू जी, तो यहाँ पे अपने को ये मेहराबे नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी दीदी, बब्बू आई समझ में? जो नहीं है अभी क्लियर करो। हाँ मतलब यही हो गया, ये तो 100 हाथ का गया सीधा, और इसमें से जो दूसरा वृक्ष है इसमें हम 75 हाथ ऊपर जाएंगे, यही होगा। देखो मोटी सी बात है ना बब्बू, सबसे पहले ये 22 क्यों ऊपर उठाया? क्योंकि हमने झरोखे से बाइक मिलान करना ऊपर जाना है ना, है झरोखे ना। से मिलान 100 हाथ का करना तो सीधा तना बना लिया, ठीक है, उसके बाद हमने पेड़ को और ऊंचा लेके जाना है क्योंकि झरोखे से मिलान करना है, और बाइक झरोखा हमारा 22 हाथ ऊंचा है, तो बाइक 22 हाथ की अपनी वो बना दो मेहराब ये फूलों पत्तों से, तो टोटल पेड़ कितना हो गया? 122 हाथ ऊंचा हो गया ना। ये बाकी वाला उसकी मेहराब इस तरह से बनती जाएगी ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 2 मंदिर की है, तो बीच में देखो एक एक मंदिर की है ना, तो कैसे देखो मेहराब बनती जाएगी ना, दो दो ये मंदिर दो की दो दूरी, मंदिर की दूरी आएगी दो ना दो पैरों की के है, बीच में, दो दो की है, दो दो मंदिर की ये दो दूरी दो है। मंदिर की दूरी की मेहराब है। तो तो ये अपन यहाँ दूसरा खड़े हैं, जब वन में मेहराब देखेंगे तो यहाँ कठेड़े और मेहराब है। नहीं, ये सुंदर, पहला वाला तो आपने 122 बता दिया, दूसरे वाला कितना होएगा फिर? हाँ दूसरा तो वाला सो है, ही है दीदी, ये वाला तो सेम सो ही है, है, सो ही ये है, तो ये सो ही है। बाकी ठीक सब सो है, बाकी सब सो है, है, क्योंकि जैसे ही 22 सीढ़ी आप उतरे आप 100 हाथ की ऊंचाई पे आ गए, फिर तो दौड़ते हुए यमुना जी की तरफ चले। तो फिर ये सीढ़ी कहाँ पे बनेंगी, जो जो 22 सीढ़ियां बनेंगी? तो दीदी ये जो पहला वृक्ष है 122 हाथ ऊंचाई ले रहा है, ये वृक्ष 100 हाथ ऊंचाई ले रहा है। कल डॉली यहाँ दी तक तो तो बड़े ये अच्छे आ से गए। बताया था आसानी से, अभी डॉली दी से कहलवाती हूँ शोभा। ये देखो ये 122 हाथ ऊंचाई ले रहा है, 122 हाथ ऊपर छत डाली। अब 122 हाथ ऊंचाई पे है और इस छत पे आना है तो 22 सीढ़ियां आपने को चाहिए। ठीक डॉली दी एक बार आप आओ ना, ये वर्णन करो, कल आपने बड़ा आसानी से वर्णन किया था। जी, प्रणाम जी, सुंदर सर जी। देखिए ये जो धाम रोज के साथ वाले जो वृक्ष हैं वो सब 100 हाथ, जो पहले वृक्ष हैं वो 100 हाथ का तना है, और झरोखों से मिलने के लिए 22 हाथ ऊपर हो गए। तो लेकिन जो बाकी के सारे वृक्ष हैं वो 75 हाथ तना और 25 हाथ डालियां हैं। तो इसलिए उन वृक्षों पर, जब हम झरोखों से उन वृक्षों पर आते हैं, तो 22 झरोखों में जाने के लिए हमें अंदर धाम की तरफ जाना है, तो 22 सीढ़ी चढ़ के हमें जाना पड़ेगा। जब झरोखों से पहली छत पर आते हैं तो हमें 22 सीढ़ी नीचे उतर कर जो वृक्षों की पहली भूमि बनी है, उसकी चांदनी जो बनी है, वो क्योंकि 22 हाथ नीचे है, ये धाम रोज के साथ वाले वृक्ष ऊंचे थे झरोखों से मिलने के लिए, तो 22 हाथ सीढ़ियां उतर के हम चांदनी पर आए और दौड़ते हुए सीधा जमुना जी तक, एक ही चांदनी है। तो अब जो दूसरी भूमि जो बननी है, तो वो जो धाम रोज के साथ वाले वृक्ष जो 22 हाथ ऊंचे झरोखों से थे, वो अब 78 हाथ के वृक्ष होंगे, ऐसा ही है ना दीदी? हाँ जी, यहाँ पे 78 हाथ के वृक्ष हैं। हाँ, और बाकी सारे वृक्ष 100 100 हाथ के ही होंगे, क्योंकि जो दूसरी चांदनी है, दूसरी भूमि के छज्जों के साथ मिलान होना है, इसीलिए वो चांदनी को बराबर करने के लिए, बिल्कुल एक समतल चांदनी बनाने के लिए, जो दूसरी भूमि से, अभी मधु दीदी भी बता रहे थे जैसे कि जब हम मंदिरों के अंदर हैं तो एक सीढ़ी उतर के सीधे छज्जे पर आएंगे, और छज्जे से मिलती हुई ये इसकी वनों के बगीचों की चांदनी है, तो चांदनी पे इसे जा सकते दौड़ते हुए जमुना जी में जा सकते हैं। हैं। हाँ जी हाँ जी, सुंदर सा जी, हम खुद कोशिश करते हैं। ये देखिए ये अपने चबूतरे के साथ पेड़, ये चबूतरे से 2 मंदिर की दूरी पर पेड़, ये पीछे इधर नहर माले बीच में, ये पीछे वाले पेड़। तो बबू दी आप इस तने से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर यहाँ ऊपर चांदनी पे आ जाओ, ये 100 हाथ वाली चांदनी पे आ जाओ। अब यहाँ से रंग महल की तरफ चलो, अपने को गिनती नहीं गिननी, रंग महल के ठीक पास ही अपने को सीढ़ियां मिलेंगी, तो आप ये रंग महल की तरफ चलो, ये आपको 22 सीढ़ियां मिल गई। ये 22 सीढ़ियां पहले जो अपना 122 हाथ ऊंचा वृक्ष आया है उसके ऊपर आई। अब यहाँ से सीधा आप झरोखे में जा सकते हो, और महाराज जी बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं कि हम झरोखे से निकले 100 हाथ चले, 100 हाथ चलते ही अपने को ये जो पहली हार वृक्ष है ना, इन वृक्षों के ठीक ऊपर इस जगह अपने को जहां से सीढ़ी उतरी है ना, ठीक इस जगह अपने को 78 हाथ के वृक्ष मिल गए। इन वृक्षों के आगे ये फिर सीढ़ियां उतर गई। अपन 100 हाथ चले यहाँ से, तो ये पिंपोर हाँ के वृक्ष तो ठीक इसके ऊपर ये वृक्ष मिल गए, आगे यहाँ से अपने को सीढ़ियां उतरती हुई मिल जाए।
हाँ दीदी, ये वृक्ष भी मिलेंगे ना, इनके तने भी दिखेंगे हमें, दिखेंगे यहाँ पर अपने को, तने दिखेंगे। वही अभी जो दूसरे ब्रह्म बताया ना, यही 78 हाथ वाले वृक्ष मिलेंगे। हाँ, ये 78 हाथ वाली, जिसमें 53 हाथ का तो तना और ऊपर 22 हाथ, 25 हाथ में मेरा। हाँ, ये झरोखों से जब बाहर आएंगे तो ये वृक्षों के तने भी दिखेंगे दिखेंगे। अगर यहाँ से हम 100 हाथ चले तो इस जगह अपने को ये वृक्ष मिल रहे हैं, और इन वृक्षों से ही आगे अपनी ये सीढ़ियां उतर रही, ठीक इसके ऊपर वृक्ष आ गए ना। सुंदर सा जी, मिलान क्लियर हुआ? हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है तो कर लेंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, ये वाली शोभा मुझे समझने में बहुत देर लगी थी, तो जैसे मैंने समझी है एक बार मैं वो बोलूं, अगर शायद सुंदर साथ को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जरूर। तो मैंने जो समझी थी, मेरे को पहले 122 हाथ ऊपर कैसे वृक्ष जाता यही नहीं समझ आ रहा था। तो पिठोर के साथ पहले तो एक भूम ऊंचा है, तो 100 हाथ तो ये तना पूरा बढ़ गया। इसके ऊपर फिर 22 हाथ और ऊपर इसकी टहनियां बढ़ गई। अब ये वृक्ष हमारा रंग महल के आगे है, अभी हमने सिर्फ एक वृक्ष को ही देखना है, तो इसने उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ टहनियां बढ़ाई हैं। ये टहनियां सीधी बढ़ी हैं, इन्होंने कोई सीढ़ी नहीं बनाई आगे, ये सीधी ही आगे गई हैं छज्जे की तरफ, ये सीधी गई हैं पूर्व की तरफ। हाँ जी, ये सीधी चली गई ना। तो सुंदर साहब जी, अब ये डालियां तीन तरफ बढ़ी हैं, उत्तर को बढ़ गई, दक्षिण को बढ़ गई, जो दो मंदिर की मेहराब बनाती हैं, और जो टहनियां बढ़ी हैं वो सीधी छज्जे की तरफ को बढ़ गई। तो यहाँ पर मेरे को इन सीढ़ियों का जो समझ नहीं आ रही थी, यहीं से नहीं आ रही थी। अब ये तो सीधा मैं 122 हाथ ऊपर खड़ी हूँ, वहां पर खड़ी होके मैं छज्जे की तरफ बढ़ना शुरू कर दी। अब मैं छज्जे से वापस आऊंगी तो इसी नोक पर खड़ी हूँ। अब मुझे दूर से दिखाई दे रहा है कि वो दूसरा जो पेड़ है वो दो मंदिर की दूरी पर है, और है भी नीचे, 100 हाथ पर नीचे है, तो मैंने नीचे कैसे उतरना है? तो अब ये जो डालियां हैं ये पश्चिम की तरफ 22 सीढ़ियां नीचे को, ये वाली डालियां अब नीचे उतरेंगी। जब मैं नीचे उतर आई तो 200 हाथ में से 22 तो मैं नीचे आ गई, क्योंकि जितना मैं नीचे आऊंगी आगे को भी तो बढ़ूंगी, तो बाकी 178 हाथ फिर मैं सीधा जाके उस पेड़ के ऊपर खड़ी हो जाऊंगी। तो मुझे ऐसे समझ आया था। हाँ ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम सीढ़ियां चढ़ने का बोलते हैं ना, तो मैं पहले जब ये मेहराबे 122 हाथ पर ऊपर मिलती है ना, तो मैं रंग महल की तरफ 22 सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देती थी, तो वो तो और भी ऊंचा हो जाता था। तो रंग महल की तरफ तो 22 जब हाथ ऊपर पेड़ गया तो वो सीधा ही आगे को बढ़ा छज्जे की तरफ, 100 हाथ बीच में ही झरोखा मिला के। इनको हम अगर कहते हैं कि 22 सीढ़ियां चढ़ के आगे पहुंचे तो कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये तीन तरफ तो हमारे पेड़ों ने डालियां बढ़ा के शोभा बना दी, उत्तर और दक्षिण की तरफ मेहराबों की शोभा बन गई दो दो मंदिर की, और पूर्व की तरफ सीधा 100 हाथ चल के मैं छज्जे पर झरोखे पर चली गई। अब झरोखे से नक्शा भी सही बना होगा, ये देखो कैसे आराम से मिलान होता होगा, ये बहुत बहुत अच्छा बना। ये पेड़ थोड़ा नीचे आया हो ना, पेड़ ऊपर तक नहीं पहुंचा। हाँ, ये थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए था। वो तभी मैं यहाँ पे मेहराब बना रही हूँ ना, यहाँ पर तभी मैं मेहराब बना रही हूँ यहाँ पर। जब मैं उस मेहराब की नोक पर आती तो यहाँ पर मैंने शोभा देखनी है पूर्व की तरफ, कि दूर खड़ा है दो मंदिर की दूरी पर वृक्ष, और वो भी 100 हाथ, मतलब 100 हाथ पर है, मैं 122 हाथ पर खड़ी हूँ, तो मुझे नीचे अब उतरना है। तो पहले ही इनकी जो डालियां हैं वो 22 हाथ नीचे, अपनी डालियां नीचे को सीढ़ियां बनाएंगी वही डालियां। अब 22 हाथ नीचे जब आ गई तो आगे मेरा 178 हाथ ही रास्ता सीधा रहता है, तो मैं सीधा चल के दूसरे पेड़ पर आ गई। अच्छा सुंदर सर जी, अब इसी शोभा से ये शोभा भी देखें कि हम इस 22 जगह पे, इस 22 जगह पे खड़े हैं, तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ से अपने को 122 हाथ ऊंची छत नजर आ रही है, यूं ढलान लेती हुई।
हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी, सुनाना बहुत अच्छे से बताया आपने। एक बार एक क्वेश्चन किया था किसी सुंदर साथ ने कि अमृत वन में और जामों में इधर अनार में ये चाहे बच्चा आ जाने से और अमृत वन में रंग महल आ जाने से चाहे बच्चे और रौसों की संख्या बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा क्लियर करेंगे कैसे उसमें उन्होंने कहा दिया है? बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और रोसों की भी संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वो चाहे बच्चा आने रंग महल आने से थोड़ा ऐसे कट जाता है ना, तो उस वजह से नहीं है। आज ही ये शोभा पढ़ रहे थे कि जो भारी 1500 मंदिर का हिसाब है वो भीतरी दीवार से बांधा गया, वो भीतरी दीवार से बांधा गया है, तो वो जो 1500 मंदिर की शोभा है वो अपनी जगह पे आ रही है और वो जो चाय बच्चे हैं वो अपने अलग जगह पे आ रहे हैं, वो साथ साथ चलते हैं, कटता नहीं है, साथ साथ चलते हैं। मैंने कहा मुझे कंफ्यूजन हो रही थी उस क्वेश्चन में काफी कि भाई कैसे बढ़ गए। अमृत वन का नक्शा लगाइए एक बार फिर से, उसमें भी लगता है ज्यादा अगर काउंट करते हैं ना तो ज्यादा आते हैं उसमें नक्शे में। अमृत वन में तो ज्यादा आएंगे लेकिन मुझे बताओ ये काउंट करनी क्यों है, शोभा को लो ना। काउंट नहीं करने सुंदर साहब ने क्वेश्चन किया था मेरे से इसलिए मैंने आगे से आपसे पूछा। बाकी महाराज जी ने इसकी काउंटिंग नहीं दी है तो इसलिए मुझे काउंटिंग नहीं पता। महाराज जी ने इसकी काउंटिंग कुसुम दीदी ने पूछा था, देखिए महाराज जी ने अपने नक्श अपनी वृत्ति में इसकी काउंटिंग नहीं दी। दीदी एक चीज बताओ क्योंकि अमृत वन में ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये बीच में ये चांदनी चौक है ना तो इसमें 8 बगीचे हैं, 8 बगीचे भी हो गए और ये इसके साथ साथ भी ये नहर घूम रही है तो इसीलिए थोड़ा तो हमें ये कुसुम दी ने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे कितनी नहरें हुई तो उन्होंने महाराज जी ने वर्णन नहीं किया जी, गिनती नहीं है। ये वर्णन हुआ है इस नहरों का वर्णन हुआ है कि यहाँ पर 1, 2, 5 आड़ी और 5 और 4 और 4 ये 13 नहरें यहाँ पर बताई है, तो ये अमृत वन की नहरों का वर्णन नहीं किया। हाँ जी सुंदर साहब जी, मिलान समझ में आ गया और शोभा कल चले अपन 16 हाथ चार बच्चे की ओर। हाँ जी दीदी है सुंदर साहब जी कोई क्वेश्चन और? सुंदर साहब जी अपने को ऐसे चल के देखना है, चल के पिया संग वहां पे रमन करना है, जब भी आंखें बंद हो हम अपने आप को सातवन में देखें या जो भी शोभा हम देख रहे हैं उस जगह खड़े हुए और पिया के संग चले, धाम की सखियों संग वहां रमन करें, उन एक एक शोभा को फील करना है। हाँ जी वीना दीदी, हाँ आप एक बार रमन करके दिखाइए। हाँ दीदी वही तो कराया पूरा, आज वही तो हुआ है वीना दीदी, मैंने पूरा वही कराया। अच्छा आज आप इधर उधर घूम रहे थे वीना दीदी, मैं देख रही थी आपको, आज तो रमन बहुत अच्छा कराया, आज आप रमन कर रहे थे अपने घर में। नहीं वो माली आया हुआ था ना वो तंग कर रहा था, यहाँ माली को तो देखेंगे जो यहाँ वाला माली रमन करा रहा था, किरण माली हमारे पास थी वो रमन करा रहे थे हमें। हाँ जी स्वर्ण दीदी, वीना दी आप एक बार वीडियो देख लेना, कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ लेना। हाँ जी स्वर्ण दीदी जी, प्रणाम जी, बस मैं यही आज कोशिश कर रही थी कि आज मैं मतलब धाम रोस पे खड़े होके और रमन करना चाहती थी और लेकिन डॉली दीदी ने अच्छा कर दिया सुनैना दीदी ने भी कर दिया, कोशिश कर रही थी कि शायद मैं पता मतलब, क्या होता है कि सब सुंदर साथ के भाव होते हैं ना, किसी के मतलब वो शब्द ऐसे होते हैं कि वो किसी को उससे समझ में आ जाता है, सब सुंदर साथ को आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि मैं कैसे समझी इस शोभा। हाँ जी हाँ जी, कई बार ऐसा भी होता है ना शब्द नहीं होते तो रमन कर लेते हैं, ऐसा भी होता है ना, मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं नहीं शब्द आपको लाने पड़ेंगे, कल परसों आपको लाने पड़ेंगे। अच्छा चलो जयकारा बुलाते हैं अपन, टाइम हो गया, बोलो श्री प्राणनाथ करी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम सब सुंदर साथ प्रणाम जी।